हम सब एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से एरोप्लेन ही सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस कम समय में ट्रैवल करना है, तो हम सब एरोप्लेन से ही सफ़र करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो एरोप्लेन से भी ज़्यादा फास्ट है? फिलहाल तो कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नहीं, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में एक ऐसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने वाली है जो एरोप्लेन से बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हाइपरलूप कहा जाता है। तो बेसिकली ये हाइपरलूप है क्या और ये किस तरह से काम करता है, तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो बेसिकली हाइपरलूप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसे आप अब तक का सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। किसी भी जगह पे सबसे फास्ट जाने के लिए अभी भी हम एयरप्लेन्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि एयरप्लेन से ही हम एक जगह से दूसरी जगह सबसे फास्ट पहुंच सकते हैं। नॉर्मली पैसेंजर एयरप्लेन की स्पीड लगभग 900 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन बात करें अगर हाइपरलूप कैप्सूल की तो इसकी स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो आखिर हाइपरलूप में ऐसा क्या है कि इसकी स्पीड एयरप्लेन से भी ज्यादा है? तो बेसिकली कोई भी चीज अगर फास्ट मूव करती है तो उस पर दो चीजों का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, एक है फ्रिक्शन और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। तो इसी वजह से एयरप्लेन्स और स्पोर्ट्स कार्स में उनका डिजाइन एरोडायनेमिक होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन जहां तक बात है हाइपरलूप की, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक कैप्सूल की मदद से ट्रेवल किया जाता है। वो कैप्सूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करता है, तो वहाँ पे आपको फ्रिक्शन ना के बराबर देखने को मिलेगा। पूरा सिस्टम ही अगर वैक्यूम में वर्क कर रहा है तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। तो इसी वजह से हाइपरलूप का कैप्सूल 1200 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर सकता है, जो कि अब तक की सबसे फास्ट रिकॉर्डेड स्पीड है। हमें कहीं पे भी जाने के लिए ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर इतना फास्ट मूव करती है तो इवन हल्के वाइब्रेशन से भी बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऊपर से हाइपरलूप के जो ट्यूब्स हैं उनमें हमेशा पार्टली वैक्यूम क्रिएट करके रखना पड़ता है, और हाइपरलूप के जो ट्यूब है उनमें ज़्यादा शार्प कॉर्नर्स हम नहीं रख सकते, उन्हें ज़्यादातर कम्प्लीटली स्ट्रेट ही रखना पड़ता है। तो देखा जाए तो हाइपरलूप से आप एक जगह से दूसरी जगह पे सबसे फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आगे चल के हाइपरलूप ने अगर ट्रेन्स को रिप्लेस कर दिया तो क्या पता हाइपरलूप में ट्रैवल करना सस्ता हो जाए। जो भी हो, हर कोई एक बार तो इसमें ज़रूर से ट्रैवल करना चाहेगा। तो आपके क्या विचार है हाइपरलूप के बारे में कमेंट्स में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।